अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। तो इस बार फिर से मैं करूँगी कि फर्नीचर मार्केट में आया हूँ। यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में फर्नीचर मिल रहे थे। लगभग करूँगी में जितनी भी शॉप्स हैं सब पर ही रीजनेबल प्राइस में फर्नीचर मिलते हैं। अगर आप लालू खेत या कहीं भी करीमाबाद गरीबाबाद कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो रेट मिलेंगे ये उससे बहुत ही कम रेटों में आपको यहाँ से ईजिली फर्नीचर मिल जाएगा। फर्नीचर भी बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बाकी ये विद मैट्रेस फर्नीचर देते हैं, मतलब गद्दे के साथ ही देते हैं। और वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि कौन सा फर्नीचर आपको किन प्राइसेस में यहाँ से इजीली मिल जाएगा। बाकी शॉप की लोकेशन वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करता हूँ, हर बार करता हूँ, इस बार भी करूँगा। बाकी आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से देख के यहाँ पे जा भी सकते हैं। और बाकी स्क्रीन पे राइट साइड पे इनका नंबर भी शो हो रहा है, तो आप इजीली कॉन्टैक्ट करके भी इनसे जान सकते हैं कि कौन सा फर्नीचर आपको किन प्राइसेस में मिल जाएगा। और बाकी जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। तो चलें चलते हैं, जाकर इनसे बात करते हैं, पूछते हैं सबके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर हमने देखा आपके पास इस दफ़ा कुछ न्यू आए हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कुछ ये वाला न्यू डिज़ाइन आया आपके पास जैसे कि फर्नीचर में, तो इसमें मतलब ये किस में बना हुआ है सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं। ये लेमिनेशन पार्टेक्स के अंदर बना हुआ है सर। अच्छा, ये लेमिनेशन पार्टेक्स में बना हुआ है। अच्छा, लेमिनेशन पार्टेक्स की शीट है। अच्छा, और ये इसका बेड है। ये बेड कितने साइज़ का है? इसका साइज़ क्या है? अच्छा, 6x6 का बेड है। अच्छा, और ये इसके पीछे इसका डिवाइडर है सर? ये डिवाइडर रखा है 3 डोर का। अच्छा, ये 3 डोर का डिवाइडर हो जाएगा। खोल के दिखा देंगे ज़रा अंदर से इसकी गहराई। अच्छा, ये इस तरह का डिवाइडर आप इसकी गहराई दे सकते हैं, तो मतलब बर्तन वगैरह आराम से आ जाएंगे। अच्छा, और ये इसका साथ में 3rd डोर है, सही है। अच्छा, उसके अलावा ये इसकी ड्रेसिंग टेबल ये हो जाएगी। अच्छा, ये इसकी ड्रेसिंग टेबल हो जाएगी, इसके अंदर भी ये लॉकर वगैरह दिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे बने हुए ये। और ये इसका ज्वेलरी बॉक्स भी बोल सकते हैं और ब्यूटी बॉक्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी सामान रखने। बाकी इस बेड की साइड टेबल्स हो गई, ये इसके अंदर भी 2 ड्रॉज दिए हुए। और ये इसकी अलमारी हो जाएगी, ऐसे ही है ना? अच्छा, अलमारी भी खोल के दिखा देंगे ज़रा। अच्छा, इसकी गहराई कितनी है सर? इसकी गहराई 18 इंच तकरीबन, 18-20 होगी मेरे ख्याल से। अच्छा, ये हैंगिंग करने के लिए हो जाएंगे और यहाँ पे कपड़े रखने के लिए हो जाएंगे, ऐसे ही जी। अच्छा, ये इसके अंदर भी एक लॉक वगैरह दिया हुआ है, कुछ भी सेपरेट चीज़ें अगर रखनी है यहाँ पे आप इसी भी रख सकते हैं, सही। अच्छा सर, अब इसके प्राइस मेंशन कर देंगे हमारे व्यूअर्स को कि ये किन प्राइजेज में यहाँ से मिल जाएगा? सर ये आपको पड़ेगा 85,000 रुपये जी। 85,000 रुपये का हमें मिलेगा विद गद्दे के साथ, विद मैट्रेस के साथ। मतलब गद्दे के साथ ये 85,000 रुपये का आप दे देंगे। इसमें अगर कोई हमारी वीडियो के रेफरेंस से आते हैं तो मज़ीद कुछ ना कोई कंसेशन कर देंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, उसके अलावा चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक और फर्नीचर है बहुत ही प्यारा लग रहा है, फिर इसका बता देंगे ये किस में बना हुआ है? सर ये लेमिनेशन पार्टेक्स के अंदर बना हुआ है। अच्छा, ये भी लेमिनेशन पार्टेक्स में बना हुआ है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये कुछ लैंप वगैरह भी लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल से जलता भी है, आई थिंक मेरे ख्याल से नीचे बटन वगैरह दिया हुआ है। कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। अच्छा, ये भी 6x6 का बेड है जी। 6x6 का बेड हो जाएगा। ये इसके पीछे 3 डोर में अलमारी है, ये इसकी साइड टेबल देख सकते हैं आप, ये कितनी ज़बरदस्त और गुड लुकिंग है, सही। 18,000। अच्छा, और ये इसका ड्रेसिंग हो जाएगा। अच्छा, ये इसका ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल तो बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है इसका, सही। अच्छा, इसके 3 ड्रॉज दिए हुए हैं मेरे ख्याल से, एक लॉकर वाला दिया हुआ है तो सर। अच्छा, ये इसका डिवाइडर है पीछे, डिवाइडर रखो, सही। अच्छा, और इसके क्या प्राइस हो जाएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? 90,000 रुपये का दे देंगे। ये भी विद मैट्रेस ही है, गद्दे के साथ, मतलब गद्दे के साथ 90,000 रुपये का। तो मज़ीद कुछ ना कुछ कंसेशन कर देंगे अगर कोई भी व्यूअर्स आते हैं। चलिए, शुक्रिया सर। अच्छा, उसके अलावा आप चलते हैं अंदर, यहाँ भी एक है, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो इसका भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये अलमारी हो जाएगी इसकी, मैं व्यूअर्स को दिखा देता हूँ खुद ही, सही। अच्छा, ये इसकी अलमारी है, ये भी सेम डिज़ाइन अंदर से सेम ही है सबका, जैसे कि उसका मैंने दिखाया था, सही। अच्छा, इसकी भी गहराई उतनी है जितनी इसकी थी, 18 इंच। अच्छा, और ये इसका बेड हो जाएगा, ये बेड 6x6। अच्छा, इसकी कुशन वगैरह कुछ लगे हुए हैं, ये क्या लगा हुआ है? ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये मतलब अगर हम रिमूव करवाना चाहें कोई और अपनी मर्ज़ी का लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं, इसलिए कोई मसला नहीं है।
सही। अच्छा, और इसके ये डिवाइडर भी थे 3 डोर में, और ये इसकी ड्रेसिंग टेबल है। अच्छा, तो इसके भी कुछ प्राइस वगैरह हमें मेंशन कर दें। अच्छा, इसकी साइड टेबल में बेड के ऊपर रखी हुई है, तो इसके क्या प्राइस हो जाएंगे हमारे लिए? सर, ये आपके लिए 85,000 रुपये। 85,000 रुपये का भी, मतलब गद्दे के साथ ही? जी, गद्दे के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, उसके अलावा यहाँ पे आपके बैक पे जो है ब्राउन कलर में, ये भी बहुत ही प्यारा बना हुआ है, तो इसका कुछ आप बता दें मुझे कि ये किस में बना हुआ है? ये लेमिनेशन पार्टेक्स के अंदर बना हुआ है सर जी। अच्छा, ये लेमिनेशन पार्टेक्स में बना हुआ है, और इसके पीछे जो है वो इसकी अलमारी है। जी, अलमारी इसकी 3 डोर अलमारी है। अच्छा, 3 डोर अलमारी है। गहराई इसकी आपने बताया था 18 इंच। 18 इंच। और आप इसी के बैक पे ये डिवाइडर हो जाएगा, इसका 2 डोर में डिवाइडर बना हुआ है, और ये कोने में इसकी ड्रेसिंग टेबल है। अच्छा, ये इसकी साइड टेबल हैं, ये भी देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। तो इसके प्राइस मेंशन कर देंगे हमें कुछ? सर, ये आपको गद्दे के साथ आपको पड़ेगा 75,000 रुपये। अरे, गद्दे के साथ ये आप दे देंगे 75,000 का, 75,000 रुपये का। अगर कोई हमारी वीडियो के रेफरेंस से आते तो कुछ मज़ीद कंसेशन कर देंगे। बिल्कुल, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, उसके अलावा यहाँ चलते हैं, यहाँ पर आ जाएँ आप ज़रा, यहाँ भी एक है, इसके बारे में कुछ बता देंगे हमें? ये किस में बना हुआ है? लेमिनेशन पार्टेक्स के अंदर बना हुआ है। सही। अच्छा, इसके अंदर कनोपी स्टाइल दिया हुआ है कुछ, ये जलते भी हैं? एलईडी लाइट है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एलईडी लाइट वगैरह लगी हुई है जी। और ये इसके अगर रिमूव करवाना चाहें, कोई अपनी मर्जी का लगवाना चाहें, तो वो भी इजीली लग जाएगा? अच्छा, और इसके पीछे भी 3 डोर में इसका डिवाइडर है, यहाँ पर इसकी अलमारी हो जाएगी। अलमारी खोल के दिखाएंगे ज़रा? जी सर। अच्छा, ये इसकी गहराई है, सही है। रोशनी का थोड़ा इशू हो रहा है, और ये इसके पीछे ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई है। ड्रेसिंग टेबल। अच्छा, वीडियो के एंड में अक्रम भाई खुद आ चुके हैं, अब हम इनसे पूछते हैं कि अक्रम भाई ये बता देंगे कि ये सब कौन है और इनका क्या काम है यहाँ पे मेन किरदार क्या है? ये हमारी पूरी टीम है। सही, ठीक है। ये हमारे गाड़ी वाले हैं, सारे गाड़ी वाले और मजदूर। सही, पूरे कराची में सर्विस देते हैं ये लोग। मुनासिब किराया है, कराची के किसी कोने में आप बोलो ये आपको छोड़ के आएंगे। उसके अलावा ये लोग फिटिंग का काम भी करते हैं, स्लाइडिंग डोर होते हैं नॉर्मली, और जिसमें ऊपर चढ़ाने का काम है। फर्नीचर घर ले जाके अगर फिट वगैरह भी करवाना है, कुछ भी करना है, तो ये सब भी करते हैं। और ऊपर चढ़ाना है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है, थर्ड है, ये सारे काम ये लोग करते हैं। और डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट बिल्कुल, आप पूरी मार्केट टच करें कराची के इंशाल्लाह, उसके बाद आप आए। और चले भी इंशाल्लाह, आपके पास जो भी कस्टमर आएगा तो आप इन्हीं में से किसी को भेजिएगा इंशाल्लाह। क्योंकि हर किसी को ना डिस्काउंट रेट ही चाहिए होता है, हर कोई यही चाहता है। असल में ये हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमारा रोजगार इनके साथ, हमारे साथ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। हम टीम के साथ चलते और इंशाल्लाह आप आओगे तो कोऑपरेट मिलेगा लास्ट। शुक्रिया बहुत बहुत, ठीक है। अच्छा सर, उसके अलावा आप अपनी शॉप की लोकेशन वगैरह बता देंगे, एड्रेस? कोई भी शॉपकीपर अगर यहाँ से आके बाय करना चाहे तो वो किस तरह आए यहाँ पे? अपनी शॉप की, शॉप का एड्रेस बता दें। अकरम फर्नीचर हाउस है, कुरंगी 3.5 नंबर, ये टाउन के सामने हमारी दुकान है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, उसके अलावा ये कार्ड है, जो कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ है, यही सेम एड्रेस है? बिल्कुल सही है। कार्ड पे आप दे सकते हैं, इस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है, कुरंगी 3 फर्नीचर मार्केट कराची। सही है। अच्छा, उसके अलावा ये अक्रम भाई का भी नंबर मेंशन, और ये बिलाल भाई, ये नहीं है? सही। अच्छा, ये अक्रम भाई के नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी को भी यहाँ पर अगर शॉप नहीं मिलती हो इजीली, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो ये सब कलेक्शन था इनके पास। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।